गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज अब फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी एनएचएम 17,000 प्लस भर्ती ज्वाइनिंग को लेकर। ठीक है गाइज, इसमें से देखिए बहुत से कमेंट आ रहे थे, आपके डाउट्स जो थे उसी डाउट को हम क्लियर करने वाले हैं। गाइज यहाँ पे बात करने वाले हैं पदों की संख्या में होगी वृद्धि, ठीक है, ऑफर लेटर कब तक आएगा, ज्वाइनिंग कब तक होगी, और स्टाफनेस देखिए आपके बहुत से कमेंट आ रहे थे कि सर बताइए स्टाफनेस स्कोर कार्ड चेक करने की लास्ट डेट कब तक है। तो गाइज देखिए इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम इसी वीडियो में। गाइज लगभग आज 3 से 4 दिन के बाद हमारा वीडियो अपलोड हो रहा है, उम्मीद करते हैं आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। गाइज देखिए ये डाउट ये मेरे चैनल के वीडियो पे कमेंट आया था कि सर बताइए पदों की संख्या में वृद्धि होगी क्या। अब देखिए गाइज पहली बात तो मैंने भी उनका वो ये जो वीडियो बनाया था इस टॉपिक पे उसका लिंक भी मेरे पास आया था, ठीक है, और मैंने भी देखा था। तो गाइज ये वही वही लोग हैं जो आपको कन्फ्यूज़ करते हैं, भ्रमित करते हैं। और देखिए यार मैं भी इतना तो शर्म करना चाहिए कि 20 और क्या ही बताएं, 20 और लाइक के लिए आप कुछ भी बोल देंगे, ठीक है, अनऑफिशियल बोल देंगे। गाइज आप जब तक ऑफिशियल चीज़ें आपके पास नहीं आती हैं तब तक आप तक किसी में विश्वास नहीं करना है। इसके पहले आप एक बार धोखा खा चुके हैं, जैसा कि यही ये जो लोग अभी बोल रहे हैं पदों की संख्या में वृद्धि होगी, यही लोग उस टाइम भी बोले थे कि 2 प्रोग्राम में फॉर्म फिलअप किया तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, 3 प्रोग्राम में फॉर्म फिलअप किया तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, भर्ती से बाहर हो जाएंगे। इनको खुद नहीं पता है एक्चुअल में कितनी फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, कितनी पोस्ट पे एएनएम की वैकेंसी है, और यहाँ पे ज्ञान देने चले आ रहे हैं कि पदों की संख्या में होगी वृद्धि। कई हालांकि नोटिफिकेशन में आपके सीधा सीधा मेंशन किया गया है कि इन फ्यूचर आपकी वैकेंसियाँ कम भी किया जा सकता है, बढ़ा भी सकती हैं। बट गाइज यहाँ पे सोचने वाली बात यह है, आपका पेपर हो चुका है, ठीक है, एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है, तो अब पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। लगभग आप 10% मान के चलिए कि आपकी संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है, पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है, बाकी 90% आप ये मान के चलिए कि नहीं हो सकती है। हाँ एक बार आपका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर होता तो उम्मीद था कि आपकी पदों की संख्या में वृद्धि हो सकती थी, लेकिन रिजल्ट आने के बाद कोई भी वैकेंसियाँ नहीं इंक्रीमेंट करता, कोई भी वो दूसरी वैकेंसी आ सकती है, ठीक है, इसको क्लियर होने के बाद ज्वाइनिंग होने के बाद दूसरी वैकेंसी आ सकती है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद आपका पदों की संख्या में वृद्धि नहीं होता है। एग्जाम होने के बाद भी कर सकते थे, रिजल्ट आने से पहले भी कर सकते थे, जैसा 2-3 बार आपने देखा भी होगा नोटिस में, 2-3 बार इन्होंने को रेंडम जारी किया था कि इतना इंक्रीज कर रहे हैं, इतना डिक्रीज कर रहे हैं, 2-3 बार आपने देखा होगा, फार्मासिस्ट एनएम फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन सभी के लिए पोस्टों में संशोधन हुआ था, तो उसी टाइम आपके पदों की संख्या में वृद्धि हो जाती या कमी हो जाती जो भी होना था। बट अभी रिजल्ट आ गया है, ठीक है, रिजल्ट आने के बाद अब कोई प्रक्रिया नहीं होने वाला है, ठीक है, कोई रेंडम वो लोग नहीं जारी करेंगे, और ऐसा करेंगे भी तो उन लड़कों के साथ गलत हो जाएगा ना, फिर जो नॉट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं फिर उनके साथ गलत हो जाएगा कि भैया आपने करना ही था, पदों की संख्या बढ़ाना ही था आपको, तो पहले बढ़ा देते हैं ताकि हमारा भी चांस जो 1-2 नंबर से हम बाहर हुए हैं तो हमारा भी चांस हो जाता, मैक्सिमम चांस हो जाता कि हम भी शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं। अब रिजल्ट आने के बाद आप पदों की संख्या इंक्रीज़ कर देंगे तो ये उन्हीं कैंडिडेट के साथ गलत हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज देखिए ऑफर लेटर कब तक आएगी हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आपको कुछ कमेंट आए हैं उस कमेंट को पढ़ लेते हैं। पहला कमेंट हम देखते हैं यहाँ पे, हेमंत त्यागी जी कमेंट करते हैं कि हेमंत त्यागी जी का कमेंट है कि सर ऑफर लेटर के बाद कितना टाइम मिलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। टाइम मिलता है 10 से 15 दिन का समय रहता है, ठीक है, तो आप उसी टाइम में अपना बनवा लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है यहाँ पे, दीप्ति सख्या जी कमेंट करती हैं कि सर कास्ट सर्टिफिकेट हस्बैंड साइड का लगेगा या फादर साइड का लगेगा। देखिए आपका जो भी है नोटिफिकेशन में सीधा मेंशन हुआ है कि फादर साइड का लगेगा, क्लियर, और मैंने वीडियो पे बता भी रखा है, आप लोग पूरा देखा करिए वीडियो, ठीक है, बार बार एक ही सवाल पूछते हैं। नेक्स्ट कमेंट है सूर्य प्रताप सिंह का, बोलते हैं सर ये डीवी में इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा क्या। इनकम सर्टिफिकेट जरूर नहीं, फिर भी आप बनवा लेंगे तो वो आपका 100 रुपये का ही तो है, कोई आपका नुकसान नहीं देने वाला है, ठीक है, आप बनवा के रखिए। आय जात निवास तो हमेशा रेडी रहना चाहिए, आपका जो भी आय प्रमाण पत्र है, जाय प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र, ये हमेशा रेडी रहना चाहिए नया नया, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है अंजलि मौर्या जी का, कमेंट करते हैं कि सर मैं SC से 37 चाइल्ड हेल्थ में बट नॉट शॉर्ट लिस्टेड, तो नॉट शॉर्ट लिस्टेड है तभी तो कोई चांस ही नहीं है आगे कुछ आपका। मेटेनल हेल्थ में विनय कुमार मेडिकल बोलते हैं कि मेटेनल हेल्थ में 65 है, वेटिंग लिस्टेड हूँ, ठीक है, तो क्लियर हो सकता है या सर कैटेगरी 80 से, तो चांस है, ठीक है, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। एक तो देखिए 65 नंबर है, मेल कैंडिडेट है, इसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, यही फीमेल होते तो 50 भी होता आपका तो भी सिलेक्शन हो जाता। प्रीति पांडे गुड मॉर्निंग, यहाँ पे बागेश्वर धाम जी कमेंट करते हैं सर मेरा 47 नंबर है, फीमेल OBC से हूँ बट नॉट शॉर्ट लिस्टेड, तो कोई चांस ही नहीं है नॉट शॉर्ट लिस्टेड वालों का, मैंने कई बार बोल दिया हूँ कि जो नॉट शॉर्ट लिस्टेड है उनका कोई उम्मीद ही नहीं है। संदीप कुमार कमेंट बोलते हैं सर मेरा OBC स्टाफनेस में 15 फाइनेंस है, 50 मार्क्स हो जाएगा क्या, वेटिंग लिस्टेड में है तो उम्मीद बना के रखिए, ठीक है। बहुत से कमेंट आ रहे थे कि सर वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी कि नहीं, तो 100% क्लियर होगी, टेंशन नहीं लेना है। हेमंत त्यागी बोलते हैं सर मिडिल नेम कुमार कुछ सर्टिफिकेट में ना हो तो फिर डिबेट से हो जाएगा, बिल्कुल। और देखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था कि मेरे 10th के मार्कशीट में कुमारी लगा है नाम के आगे, ठीक है, लेकिन
ट्वेल्थ की मार्कशीट में कुमारी नहीं है तो क्या इससे मुझे डीवी के लिए बाहर कर दिया जाएगा? तो कुमारी नहीं ये सब में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है, कुमारी उमारी से कोई दिक्कत नहीं होने वाला। यहाँ पर स्पेलिंग भी गलत रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका एफिडेविट लगा के आपका काम हो जाएगा, और कुमारी के लिए तो एफिडेविट की ज़रूरत ही नहीं है। राकेश सिंह संजय कमेंट करती हैं कि सर एन एम RBSK में 52.57 है, मेटेनल 43 है, 46 है, वेटिंग लिस्ट में हो जाएगा, बिल्कुल 100% हो जाएगा। मैंने आपको देखिए आपने हमारे व्हाट्सएप पे भी पूछा था, कॉल करके भी पूछा था, आपका नाम हमें याद है, ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपका 52 नंबर है, हो जाएगा। बस यही है कि किसी कारणवश आपका देखिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ रहा है, बाकी आपको तो आपका तो सिलेक्शन हुआ था, बट क्या ही बोल सकते हैं, वो बोलते हैं ना कि 99% आपकी मेहनत और 1% लक होता है, तो यही 1% लक आपके साथ साथ नहीं दिया, जिसके कारण आपने 52 नंबर ला के भी सिलेक्शन से रुक गई हैं और वेटिंग लिस्टेड में हैं। बाकी मैंने देखा है 46 है, 42 वालों ने भी सिलेक्शन लिया है, बस यही है कि आपका प्रोग्राम RBSK है, उनका प्रोग्राम मेटेनल हेल्थ था, यही आपका मेटेनल हेल्थ में 45-46 नंबर होता तो आपका सिलेक्शन हो जाता, जहाँ यहाँ जो लिखा है 41, यही 41 की जगह 43-44 होता तब भी आपका मेटेनल हेल्थ में हो जाता, बट क्या ही कर सकते हैं, RBSK में सीटें कम थी और कैंडिडेट जाता था, इसके लिए ज़्यादा आपकी कटाव चली गई है RBSK की, तो बट टेंशन नहीं लेना है, आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है, ठीक है, वेटिंग लिस्ट के जरिए आपकी ज्वाइनिंग होगी। नेक्स्ट कमेंट हम देख लेते हैं। सनी कुमार कमेंट करते हैं, सर 5 प्रोग्राम में फिल किया था, SC से हूँ, मटेरियल हेल्थ में 43, किसी में भी वेटिंग लिस्ट में भी नहीं आया। तो आप देखिए मेल कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट का कटाव ज़्यादा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए और भी कमेंट है, फार्मासिस्ट का कटाव कितना गया, RTA देखिए रिप्लाई आते ही मैं बता दूंगा। लकी मयंक बोलते हैं, सर मेरा NM में 30.80 से नॉट शॉर्ट लिस्टेड वाला का कोई, नेहा त्रिपाठी थैंक यू भाई गुड इन्फॉर्मेशन वेलकम। शैलेंद्र जी बोलते हैं कि सर PM अभी मल्टी शॉर्ट मीटिंग क्लियर होगी। देखिए एक मैं बार बार हर एक वीडियो में बोलता हूँ, लैब टेक्नीशियन के जितने भी कैंडिडेट वेटिंग लिस्टेड में हैं, लैब टेक्नीशियन के जितने भी कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में हैं, सबकी नौकरी लगेगी, किसी का रुकने वाला नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैंने 2-3 वीडियो में प्रूफ भी दिखाया हूँ। देखिए 15-16 हज़ार डुप्लीकेट कैंडिडेट लेकर हो रहे हैं, 3,000 के आसपास आपकी वैकेंसी है, और एक ही कैंडिडेट लगभग सभी प्रोग्राम में अप्लाई किया है, कोई 5 में कोई 6 में, और सिलेक्शन भी 3-3-4-4 प्रोग्राम में लिए हैं, ठीक है, लेकिन ज्वाइनिंग एक ही प्रोग्राम में लेना है। लैब टेक्नीशियन की बिल्कुल जितनी वैकेंसी है उतने एक्चुअल में कैंडिडेट हैं, 3,000 मान के चलिए वैकेंसी है, ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 कैंडिडेट होंगे, ठीक है, 5,000 कैंडिडेट एक्चुअल में होंगे जो फॉर्म फिलअप किए थे, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको। और अब इसी 5,000 में ऐसे कई कैंडिडेट होंगे जो एग्ज़ाम भी नहीं दिए होंगे, या तो एग्ज़ाम दिए होंगे या तो जो भी आपका मिनिमम क्वालिफाई मार्क था उतना भी नहीं लाए होंगे, तो वेटिंग लिस्टेड वाले बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, लैब टेक्नीशियन के जितने भी वेटिंग लिस्टेड वाले हैं सबका होगा, ठीक है। बाकी ANM और स्टाफ नर्स की नहीं, फार्मासिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल लैब टेक्नीशियन की बात कर रहा हूँ। सर मेरा NU-HM में 50 वेटिंग लिस्टेड, हाँ बिल्कुल हो जाएगा संध्या पॉइंट जी। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरा SC से कटिंग 42 नंबर, मेटेरियल हेल्थ में मेरा वेटिंग लिस्टेड में नेम है, मेरी फाइनल ज्वाइनिंग होगी क्या? बिल्कुल चांस है, टेंशन नहीं लेना है, मटेरियल हेल्थ में तो चांस नहीं है, और प्रोग्राम में होता तो चांस होता है, ठीक है, क्योंकि मटेरियल हेल्थ तो बहुत ज्वाइन करेंगे इन वाले। अनामिका पटेल जी बोलते हैं, सर गुड मॉर्निंग, सर NM का वेटिंग लिस्ट का सर कब तक होगा? बिल्कुल होगा, इन लोगों के ज्वाइनिंग के बाद होगा, ठीक है। भाई जी मेरा 60 नंबर DHS में नॉट शॉर्ट लिस्टेड है, तो क्या ही कर सकते हैं, मैंने बोला था ना आपका जो भी मेल कैंडिडेट है इनका कटाव ज़्यादा गया है, 65 से 70 नंबर के बीच में कटाव चला गया है मेल कैंडिडेट का। नीलम कुमारी जी बोलती हैं, सर मेरा 44 नंबर है, वेटिंग लिस्ट में है OBC से, क्या मेरा हो जाएगा? बिल्कुल चांस है। बाकी गाइस आपके यही कमेंट आए हैं, ठीक है, कि मेरा इतना नंबर है, इतने हो जाएगा, उसमें हो जाएगा, तो मैंने डिटेल में वीडियो 2-3 वीडियो आपके कमेंट पे ही मैंने बनाया है, ठीक है, उसमें आपके कमेंट का ही रिप्लाई दिया हूं मैं। सुनील कमेंट करते हैं, सर मेरा 43 नंबर है, वेटिंग में हो जाएगा, प्लीज़ सर बताएं। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इंतजार करिए, जो जो भी कैंडिडेट वेटिंग लिस्टेड में हैं टेंशन मत लीजिए, ठीक है, बस इंतजार करिए 1-2 महीने और जैसे अब तक आपने इंतजार किया था। नेक्स्ट कमेंट है, रेनू यादव, सर मेडिकल फिटनेस कहाँ से बनवाएं, प्लीज़ रिप्लाई सर। देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से भी बनवा सकते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं। थैंक यू सर वीडियो के लिए। तो गाइज यही कमेंट है और कुछ मुझे दिखा नहीं, बस एक कमेंट आया था कि उसमें यही मैंने देखा कि उसमें उन्होंने पूछा था कि सर फार्मासिस्ट या NM की पद बढ़ने वाली है क्या, प्लीज़ क्लियर करिए, तो मैंने आपको बता दिया हूँ। तो गाइज अभी जो ये बता रहे हैं कि पदों की संख्या में होगी वृद्धि, तो ये वही हैं, ठीक है, इन्होंने एक बार ये भी बताया था, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, ठीक है, तो ये लोग वही हैं, ठीक है, कि जो इसके पहले भी वीडियो रिजल्ट आने से पहले भी वीडियो बनाए थे, रिजल्ट आने के बाद बनाए थे कि स्टॉप नर्स में बाउंडेशन फॉर्म भरा जाएगा 2 लाख का, ठीक है। अब देखिए अभी इनको पता नहीं है कि CHO वाला नोटिफिकेशन
में लिखा था ठीक है, सिक्योरिटी बांड जमा किया गया था 2 लाख 2.5 लाख का, तो इसमें एनएचएम में 17,000 में भी ये चिल्लाने लगे कि अरे सिक्योरिटी बांड आपको जमा किया जाएगा, तो वहाँ पे मैंने क्लियर आपको किया था, नोटिफिकेशन भी दिखाया था। देखिए ये सीएचओ की भर्ती जो आई थी उसमें लिखा गया था कि सिक्योरिटी बांड आपको देना पड़ेगा ठीक है ज्वाइनिंग से पहले, बट आपके 17,000 प्लस भर्ती में नहीं है सिक्योरिटी बांड यहाँ पे नहीं जमा किया जाएगा ठीक है, तो मैंने नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया था ठीक है। और ये वही लोग हैं ठीक है जो जिस टाइम वैकेंसी आई थी, बहुत से लोगों का तो फ्यूचर ये इन्होंने ही ले डूबा है, इन यूट्यूबर जो भी गलत न्यूज़ दे रहे हैं, बहुत से लोगों का फ्यूचर तो यही लेके डूबे हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम भी बहुत से उड़ा दिए थे फवा की, अरे 2 प्रोग्राम में फॉर्म अप्लाई किया तो फॉर्म रिजेक्ट, और इतना अजम्पशन देते हैं, इतना कंक्लूजन भी दे देते हैं अच्छी तरीके से कि जो भी कैंडिडेट है उनको पूर्ण रूप से विश्वास भी हो जाता है। क्यों ना हो भैया, जब आप सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा लेके बैठे हैं, व्यू भी आ रहे हैं, तो कैंडिडेट आपके ऊपर ही भरोसा करेगा, अपना कि जो 2,000-3,000 का सब्सक्राइबर लेके बैठा है वो कुछ भी बता देंगे, अगर सच्चा एकदम बिल्कुल सच्चाई ही दिखा देगा अभी आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये 2,000 सब्सक्राइबर है और ये 40,000-50,000 सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, तो इनके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट रहेगा, इनके ऊपर आप क्यों ट्रस्ट करेंगे भैया? दुनिया भीड़ के पीछे भागती है तो आप भी भागेंगे ना। तो गाइज बाकी देखिए, एक प्रयास हमारे द्वारा हो रहा है जिसमें से आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप लोगों से उम्मीद थी कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। देखिए गाइज, मैंने कई बार बोल दिया हूँ कि मेरा मोटिव कुछ अलग है, कुछ एम अलग है ठीक है, आप लोगों के हित के लिए जो चीज़ें होता है आपके भलाई के लिए ही होता है ठीक है, तो उसमें आप सपोर्ट किया करें। देखिए एनएम फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन न्यू वैकेंसी को लेकर ट्विटर कैंपेन है 25 जनवरी यूपी TSSC की तरफ से जो न्यू वैकेंसी को लेकर है ठीक है, इसके लिए ट्विटर कैंपेन है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें। और सभी यूट्यूबर्स अभी जो ये पदों की संख्या बढ़ा रहे हैं ना, इनको भी जाके कमेंट करिए आपकी, पहले इस ट्विटर कैंपेन के लिए वीडियो बनाओ तब पदों की संख्या बढ़ाना ठीक है, इनको जाके आप कमेंट करो ठीक है। जिस तरीके आपने एनएचएम 17,000 रिजल्ट को लेकर सपोर्ट किया था, और भाई मैं चाहता हूँ कि अभी आप कि ज्वाइनिंग संविदा पे होगी, लेकिन इस संविदा के जॉब करते करते आपको परमानेंट जॉब मिल जाए ठीक है। जैसे एनएम के कैंडिडेट हैं, बहुत से लोगों का अभी तो ये भी सुनने में आता है कि अरे कुछ लोग बोलते हैं कि आप ही लोग कमेंट करते हैं, आप ही लोग ग्रुप में बोलते हैं कि सर कुछ लोग बोल रहे हैं कि संविदा की नौकरी लेकर क्या करेगा, या संविदा की नौकरी है क्या वैल्यू है ठीक है, तो आपको अब परमानेंट नौकरी लेकर दिखाना होगा, उन्हीं लोगों को बताना होगा कि हम संविदा पे नहीं या परमानेंट पे होंगे ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, बस इसके लिए क्या करना है, एक काम करना है कि बस जो मुहिम हो रहा है उस मुहिम में साथ दें, सिंपल है। ट्विटर कैंपेन वगैरह ट्विटर कैंपेन में सपोर्ट करें ताकि न्यू भर्ती आते ही आप परमानेंट हो जाएं ठीक है। तो गाइज आप लोग अपना सपोर्ट जरूर करें, जो कोई वीडियो बनाता है एनएचएम एनएम फार्मासिस्ट एलटी स्टाफ नर्स, उस पर भर भर कमेंट कर दिया करिए, जो मेरे द्वारा मुहिम होता है बस यही चीज़ सेम टू सेम उसी के वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना है कि ये मुहिम हो रहा है इसमें आप सपोर्ट करो ठीक है, ये मुहिम स्टार्ट होने वाला है इस तारीख को, इसके लिए वीडियो बनाओ, बस इतना ही कमेंट करना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना। आप नहीं जा सकते हैं, हम बोलते हैं चलिए मत जाइए, आप ट्विटर कैंपेन में ट्वीट नहीं कर सकते हैं मत करिए, लेकिन यूट्यूब चलाना खूब जानते हैं अच्छे से, और कमेंट करना भी खूब अच्छे से जानते हैं, तो कमेंट करिए ना, जब हम बोलते हैं कमेंट करने के लिए तो कमेंट करिए उन लोगों के वीडियो पे जाके। और गाइस उम्मीद करते हैं आपको जानकारी मिल गई होगी कि देखिए अभी मैंने ऑफर लेटर का नहीं बताया हूँ, ऑफर लेटर का भी बता दे रहा हूँ, ऑफर लेटर आपका जनवरी के महीने में ही आएगा, उम्मीद है कि 20 जनवरी के आसपास आपका प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा ठीक है। और ज्वाइनिंग कब तक होगी मैंने बोल दिया हूँ, ज्वाइनिंग आपका देखिए लास्ट फरवरी में शायद आचार संहिता लग जाए, बट आचार संहिता जो आचार संहिता है ठीक है, आचार संहिता से हो सकता है कुछ पोस्टों का ज्वाइनिंग हो जाए, कुछ पोस्टों का बचे ठीक है। उम्मीद है कि जो भी स्टाफ नर्स वालों का ही ज्वाइनिंग बचे, लेकिन हो सकता है साथ में ही ज्वाइनिंग दे दिया जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा जरूरत यहाँ पे फार्मासिस्ट और एनएम कैंडिडेट की है ठीक है, तो इनका प्रोसेस बहुत जल्दी होने वाला है, फार्मासिस्ट एनएम लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट उनका भी उम्मीद है कि चांस यही है कि आपके इलेक्शन से पहले हो जानी है ज्वाइनिंग। बाकी गाइस बहुत से कमेंट आ रहे थे कि सर स्टाफ नर्स स्कोर कार्ड करने की अंतिम तिथि क्या है, जैसे आपके एनएम का था अंतिम तिथि इन्होंने बता दिया था एनएम एलटी फार्मासिस्ट की 31 दिसंबर तक आप कर पाएंगे, तो स्टाफ नर्स का ऐसा क्या है, तो 2-3 दिन में आपको पता चल जाएगा, नोटिस आ ही जाएगा, 2-3 दिन में आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस मिल जाएगा कि फला डेट तक आप स्कोर कार्ड चेक कर पाएंगे। अब कुछ लोगों का ये भी कमेंट आ रहा है कि सर जिस तरीके से 31 दिसंबर के बाद, मतलब 31 दिसंबर तक लास्ट डेट थी स्कोर कार्ड चेक करने की फार्मासिस्ट एलटी लैब टेक्नीशियन की, तो 31 दिसंबर के बाद रिजल्ट डिक्लेयर इन्होंने किया, तो क्या शायद स्टाफ नर्स के स्कोर कार्ड चेक करने जो लास्ट डेट है उसके बाद शायद आगे का प्रोसेस है, तो ऐसा बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं है ठीक है। और 31 दिसंबर के बाद जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ ना, आप भूल रहे हैं कि शायद 2 जनवरी को एक मुहिम रखा गया था, उस मुहिम की बदौलत और एक जगह ज्ञापन नहीं दिया था भैया, आप गए नहीं थे, तो आपको ऐसे आसान लग रहा है कि एक जगह जाके ज्ञापन दे दिया गया था, 2 जनवरी को दिन एक जगह ज्ञापन नहीं दिया गया था, 3-3 जगह ज्ञापन दिया गया था, प्लस सेपरेट उप मुख्यमंत्री को पर्सनली जाके बोला गया था, मिला गया था, उनको भी ज्ञापन दिया गया था, तब जाके आपके 3 जनवरी को रिजल्ट देखने को मिला, तो ऐसे आप लोग गए नहीं तो ऐसे आपको आसानी में लग रहा है कि सर ने मुहिम रखा था हम गए नहीं रिजल्ट आ गया, मतलब कुछ भी, तो ऐसा कुछ नहीं, बड़ी मेहनत हुई है आपके 17,000 प्लस रिजल्ट को लेकर।
तब जाके आपका ये प्रोसेस फास्ट हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को कंक्लूजन में ना लाएं कि जो भी स्टाफनेस का स्कोर कार्ड चेक करने की अंतिम तिथि रहेगी उसके बाद प्रोसेस होने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपके फार्मासिस्ट का तो ऑफर लेटर कभी भी जारी हो सकता है, फार्मासिस्ट के पोस्ट का ऑफर लेटर कभी भी जारी हो सकता है। बाकी गाइस 2-3 दिन में आपको अपडेट मिल ही जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर आ ही जाएगा। बस इतना मान चलिए 20 जनवरी के आसपास आपको अपडेट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, कि आपके ऑफर लेटर जारी कर दिए हैं, डीवी कब तक होगा, ज्वाइनिंग कब तक होगा, सब कुछ 20 जनवरी तक इंतजार करें। अगर ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे ये जनवरी क्रॉस होता है फरवरी आ जाता है, तो हम फिर से प्रयास करना शुरू कर देंगे, जब जब जरूरत होगी तब तब प्रयास करेंगे, ठीक है। तब तक अपनी आवाज़ सिस्टम तक पहुँचाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध करेंगे। बस गाइज आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग उन चैनल को मत ज़्यादा देखा करिए। और देखिए गाइज आपको भी पता चल ही गया होगा, इतने दिन से जुड़े हुए हैं आपको, तो आप इतना तो अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि कौन सा चैनल आपके लिए ऑथेंटिक है, कौन सा चैनल आपको सही जानकारी दे पाते हैं, ठीक है। तो देखिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की तो बात हम करते ही नहीं, कि आपका दिल, लेकिन दिल पे हाथ रख के सोच लिया करिए कि चीज़ें मैं जो कर रहा हूँ सही है कि नहीं है। बाकी गाइज आपकी इच्छा जो भी करें वो करें, जिसका भी चैनल देखें, कोई यहाँ पे किसी से मना ही नहीं है। बस यही बोलेंगे कि ऑफिशियल जानकारी जब तक ना हो तब तक आपको ट्रस्ट नहीं करना है किसी का, चाहे हम हो चाहे जो भी हो। जब अब तक आपको ऑफिशियल जानकारी नहीं मिल जाती है तब तक आपको ट्रस्ट नहीं करना है। उम्मीद करते हैं आप चीज़ें कुछ समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।